से नाम है, अन्य पांच नाम है, एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एमएम वर्धमान। आगे देखो, अब 294 पे अवधेन धर्म को जाने। महावीर भगवान, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से। प्रश्न, पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय यानी शरीर से कहाँ गया? उत्तर है कि पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहाँ गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी इस मारीची से पहले का भी इसका एक जीवन बता रखा है। उसके बाद ये ऋषभ देव का पोता मारीची हुआ, महावीर का जीव। फिर वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक में गया, उससे नाम लेकर के ऋषभ देव जी से नाम लेकर ओम नाम का जाप करके ये ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के शरीर को छोड़कर कहाँ गया? सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्री से अग्निसह नामक पुत्र हुआ। अग्निसह फिर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहाँ गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, ये इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? ये मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर भारद्वाज कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया। ओहो, और अब देखना, ओ मेरे मालिक, कलेजा मुँह को आता है। अब निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अब उसके बारे में क्या बताता है? उत्तर है, अनेकों भव धारण किए, जो इस प्रकार है, 1000 वर्ष, 1000 आँख के वृक्ष, 1000 वर्ष तक, 1000 तो आँख के वृक्ष के भव, 1000 बार तो आँख का वृक्ष बना, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के, और 3,000 बार चंदन के वृक्ष के शरीर धारण किए, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, और 60,000 बार वैश्या के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर, ओहो यहाँ फोड़ लिए कर्म, 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी के भव, और 60 करोड़ बार गधे के भव, ओहो 60 करोड़ बार गधा ते कब बना बतेरा, हे भगवान 60 करोड़ बार, ओहो 60 करोड़ बार गधे के शरीर, और 30 करोड़ बार कुत्ते, रही खही कसरिया निकलगी कुत्ते के जीवन, उत्तराखंड एक एक का कुत्ते का जीवन देख लो कितना दुखदायी होता है, और 30 करोड़ बार कुत्ते का शरीर, 60 करोड़ बार नपुसंग के भव, और 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के शरीर भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के भव, उत्तराखंड
और 60 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। अब पुण्यात्माओं, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के यही बताना चाहते हैं कि तुमको परम संत मिला नहीं, सत साधना प्राप्त हुई नहीं, सत्संग तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से तुम्हारे ये जन्म और मृत्यु के कष्ट समाप्त नहीं हुए। और गीता जी में बताया है कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत से संबंधित हो जाता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से फिर वो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। आज आप जी को बताया, शुरुआत की थी कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे। ओ नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी यानी चार प्रकार से जीवों की जो है उत्पत्ति होती है, अंडरज, जेरज, उद्बुद, शब्दज, यानी अंडे से, जेर से, जैसे माँ के गर्भ में मनुष्य हैं, पशु हैं इनमें, और अपने आप जैसे सुरसी हो जाती है, अपने आप जो उत्पन्न होते हैं। ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं, इनको चार पार्ट बोलते हैं, चार खानी, चार विभाग। इन चारों विभागों में उत्पन्न प्राणियों की संख्या कितने प्रकार की होती है? 84 लाख। 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है, चार खानी में भटकते धक्के खाते। जैसे इन ऋषभ देव जी ने भी नाम लिया, इनकी भी जन्म मृत्यु अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यही आगे चलकर बाबा आदम हुए ऋषभ देव जी, और बाबा आदम फिर उसमें स्वर्ग में गए हुए हैं। स्वर्ग के अंदर एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है, स्वर्ग में विराजमान है और वहां भी दुखी। उन मुसलमानों वाले इस पुस्तक में लिखा है, हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में, कि बाबा आदम हजरत मोहम्मद ने देखा, वो एक बार हंस रहे थे, एक बार रो रहे थे। हजरत मोहम्मद ने पूछा उस फरिश्ते से, जबराइल से, कि ये कौन व्यक्ति है? जबराइल ने बताया कि बाबा आदम है, ये रो और हंस क्यों रहा है? कि स्वर्ग के अंदर तो इसकी अच्छी संतान है, जो नेक नीति से राह करती वो स्वर्ग में है, और जो निकम्मे थे, भक्ति करी नहीं, मांस मिट्टी खाते थे, वो नरक में पीटे जा रहे हैं, बुरान मिट्टी हो रही है। जब ये नरक की तरफ देखता है तो अपने निकम्मी संतान को दुखी होते हुए देखकर रो रहा है, और जब स्वर्ग की तरफ देखता है, अच्छी संतान स्वर्ग के अंदर आनंद से रह रही है, तब वो खुश होता है। तो पुण्यात्माओं, इस स्वर्ग में भी नो की नो दुर्गति, जैसी पृथ्वी पर ऐसे दुख और सुख समांतर चल रहे। एक ही स्थान है सतलोक, जहां जाने के बाद जीव की फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपने ऋषभ देव जी से प्राप्त दीक्षा, मारीचि जी की क्या दुर्गति हुई आपने पढ़ लिया, और यही आगे चल के महावीर जैन हुआ, वही आत्मा महावीर जैन कहलाई। अब आपने देखा कि 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता और केवल 80 लाख बार देवता बना। अब उस देवता ने के चट गधा कुत्ते भी बन गया। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है, यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होने से जीव की ऐसे ही दुर्गति रहती है। कई पुण्यात्मा जो होते हैं वो अल्पज होते हैं, कुछ श्रद्धालु ज़्यादा होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहते हैं कई बार कि यदि सभी आप वाली साधना कर लेंगे, कबीर जी वाली भक्ति कर लेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, तो यहाँ पृथ्वी पर कौन रहेगा, तो खाली रह जाएगी पृथ्वी, तो एक कैद है, कैद एक दुख स्थल है, और हम पहले वहीं रहते थे सभी,
तो पड़ी रहेगी खाली, ये निर्यग्रह धक्के खाते अंडे ये और घूम लेगी खाली, अपन के लेना इसका ऊपर, हम तो अपने सतलोक चले जाएंगे, वहाँ हमारा निज स्थान है। तो ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी है कि यहाँ कौन रहेगा, इसने के फूकांगे जड़े इसी दुरुक्ति होने लग रही जीव की, एक पल में भरोसा नहीं के हो जा, कभी परलय हो जा, कभी सूखा पड़ जा, कितना भूकंप आकर दुनिया मर जा, कितना साइकिलोन आ गया लाखों लोग मर जाते हैं, कभी सर्दी सतावे गर्मी सतावे साढ़ो सैकड़ों बीमारियाँ। तो यार यहाँ रहना के शौक है तो मजबूरी फंस रहे हम, जब ज्ञान आपको हो जाएगा। तो क्या बताया है कि अब वो मारीची वाला जीव इतने दुख पाकर आगे फिर क्या हुआ, महावीर जैन वाले जीव की आगे क्या हुआ देखना, यही है आओ जैन धर्म को जाने, ये आओ जैन धर्म को जाने। हम 295 पृष्ठ पर आगे हैं, हमने ये पढ़ लिया, ओहो 60 करोड़ बार गधे के भाव शरीर, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंख, 20 करोड़ बार क्षत्रि, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तो देवता होया और बाकी या ऊपर दुर्गति अलग से हुई। उसके बाद फिर कहा गया राजग्रह में स्थावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया, ये सातवें नरक में, और सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, सिंहगिरी पर, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर प्रथम नरक में गया। आगे हम ज्यादा ना देख करके यहां देखते हैं, सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर उसके बाद वो ही मारिची वाला जीव 24वें तीर्थकर श्री महावीर भगवान हुए। अह श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, ओ तेरा गजब, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कहते साच कहो तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और सच ना पूरा पावते झूठा जगपति आई हो। परमात्मा कहते थे कि मैं सच ही कहता हूँ और मेरी बात पर कोई यकीन विश्वास नहीं करता, और ये झूठों के जो गलत साधना बता रहे हैं, ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो रही है, उन सब के ऊपर सब विश्वास किए बैठे। अब विचार करो, मारीची वाले जीव ने, महावीर जैन वाले जीव ने मारीची रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, और ऋषभ देव जी ने, क्योंकि और कोई मंत्र था ही नहीं, वेदों अनुसार साधना दी थी, उस ओम नाम के जापते और हठ योग करने से, तप करने से, तो क्या क्या उपलब्धियां हुई अभी आपने पढ़ा और देखा और सुना। उसके बाद महावीर नाम से उत्पन्न हुए, और उसके बाद महावीर जी का कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर के घर त्याग दिया, अपने आप काफी वर्षों तक निराहार रह करके, निवस्त्र रह करके साधना की, और उसके बाद इसने 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, राजा ऋषभ देव जी से वेदों अनुसार साधना प्राप्त करके इन्होंने कष्ट भी बहुत उठाए, लेकिन 80 लाख बार देवता भी बन गए,
क्योंकि पुण्य और पापों का लेखा अलग